I am about to shoot a video and I am going to shoot a video. Friends, क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों sentence में क्या फर्क है? अक्सर learner इस बात को लेकर confused रहते हैं और comment box में पूछते हैं कि going to और is about to में क्या फर्क है? तो आइए friends उनकी confusion को खत्म करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर दो examples देख सकते हैं, I'm about to shoot a video और दूसरा I'm going to shoot a video। इन दोनों में क्या फर्क है? I'm going to shoot a video का meaning हुआ कि मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ, यानी इस सेंटेंस से इरादा का पता चलता है कि किसी इंसान ने ऐसा करने का इरादा किया है और जल्द ही ये काम होने वाला है, यानी नियर फ्यूचर में ये काम होने वाला है। लेकिन अगर हम बात अबाउट टू की करें, जैसे आई एम अबाउट टू शूट अ वीडियो, तो इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ कि मैं एक वीडियो शूट करने वाला ही हूँ। यानी अगर मैं किसी से फोन पर कहूँ आई एम अबाउट टू शूट अ वीडियो, तो सुनने वाला इंसान ये समझेगा कि मैं वीडियो बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। हो सकता है कि मैं कैमरे के सामने भी खड़ा हूँ, यानी दो चार सेकंड में या कुछ ही पल में मैं ये काम करूँगा। लेकिन अगर मैं उस इंसान से कहता हूँ आई एम गोइंग टू शूट अ वीडियो, तो सुनने वाला ये समझेगा कि मैं इस काम को जल्द करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा करने का इरादा किया है। हो सकता है कि आज ये काम दो चार घंटे में कर लूँ या आज शाम तक कर लूँ। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि अबाउट टू का मतलब मैं कोई काम करने वाला ही हूँ, यानी बस कुछ सेकेंड्स में वो काम शुरू हो जाएगा। जबकि गोइंग टू से पता चलता है कि ये काम जल्द होने वाला है, यानी काम तत्काल होगा, तुरंत होगा, ऐसा गोइंग टू से पता नहीं चलता। ये बात अबाउट टू से पता चलता है। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। अगर मैं किसी दुकानदार को देखकर कहूँ ही इज गोइंग टू क्लोज द शॉप, तो यहाँ मेरे कहने का सेंस है कि वह दुकान बंद करने जा रहा है, यानी वह अपने सामानों को अब इकट्ठा कर रहा है या अपने सामानों को सेटअप कर रहा है और जल्द ही वो अपना दुकान बंद कर देगा। लेकिन अगर मैं कहूँ ही इज अबाउट टू क्लोज द शॉप, तो इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ कि वह दुकान बंद करने वाला ही है, यानी जैसा कि मैं उसके हाथ में की देख सकता हूँ और वह दरवाजे की ओर जा रहा है। यानी यहाँ अबाउट टू से ये पता चला कि ये काम होने ही वाला है, बस कुछ सेकेंड्स में, कुछ पल में दुकान बंद हो जाएगी। ही इज गोइंग टू डाई, यानी वह मरने जा रहा है। इस सेंटेंस से ये पता चला कि उसने मरने का इरादा कर लिया है और जल्द ये काम होगा। लेकिन अगर मैं कहूँ ही इज अबाउट टू डाई, तो इस सेंटेंस का मीनिंग है कि वह मरने वाला ही है, यानी अगले कुछ सेकंड्स में या अगले कुछ पल में वो मर जाएगा। यानी ये काम तुरंत होने वाला है, शीघ्र ही होने वाला है, यानी ये काम अब और तब में है, अब हो जाए या तब हो जाए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों टॉपिक शानदार तरीके से समझ में आया कि गोइंग टू और अबाउट टू में क्या फर्क है, हमें कब बोलना चाहिए गोइंग टू और हमें कब कहना चाहिए अबाउट टू। यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूं कि कमेंट बॉक्स में एक साहब ने पूछा कि अबाउट टू, गोइंग टू और लाइकली टू के बारे में बताएं। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे कहूंगा कि मैं लाइकली टू पर वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो मैंने आई के सिंबल में उस वीडियो को रखा है, आप उस वीडियो को देखिए, आपके कन्फ्यूजन खत्म हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वाकई आपने इन दोनों कॉन्सेप्ट को शानदार तरीके से सीखा, तो क्या इस टॉपिक पर कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे? कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखे ताकि मैं चेक करके बता सकूं कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए